मध्य प्रदेश के देवास से हमारे साथ संवाददाता अनिल उपाध्याय। रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा का वाहन नेमावर पुलिस ने रोका। वहीं विधायक पत्नी नीलम मिश्रा ने खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर लगाया था पति का एनकाउंटर करने का आरोप। मंगलवार सुबह हरदा जिले की हांडिया और देवास जिले की नेमावर पुलिस को संदिग्ध वाहन निकलने की सूचना मिली थी, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें थाने में बिठाया। करीब एक घंटे बाद पुलिस ने उन्हें गलती से पकड़ने के बाद छोड़ दिया, जिसके बाद वे इंदौर की ओर रवाना हुए। रीवा जिले से पूर्व विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने कहा कि खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ रीवा और सिमरिया में अवैध उत्खनन को लेकर विरोध किया गया। अवैध खनन पर उन्होंने पूरा रीवा सिमरिया बेच डाला। मंत्री के अवैध कार्यों का विरोध किया गया, इसके चलते उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा वे पुलिस एनकाउंटर भी करवा सकते हैं। इस मामले को लेकर मंगलवार को विधानसभा में खासा हंगामा भी हुआ। उल्लेखनीय है कि रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा में अभय मिश्र की पत्नी नीलम मिश्रा विधायक हैं। अभी हाल ही में अभय मिशन पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आज ही हरदा की ओर से इंदौर की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान हरदा एवं देवास पुलिस को एक संदिग्ध वाहन होने की सूचना मिली। सूचना पर हरदा एवं देवास जिले के नेमावर पुलिस ने उक्त वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा एवं कुछ देर बाद छोड़ दिया। उक्त वाहन में अभय मिश्रा भी सवार थे। उनके पति को भी रोका गया था, क्यों रोका गया था? ये सिर्फ सूचना मिली थी कि संदिग्ध वाहन जा रहा है, ये हंडिया पुलिस को सूचना मिली थी, हंडिया पुलिस ने ही लिया। सर तो कौन लोग पाए गए इसमें और क्या आपने अभी उनसे क्या पूछताछ की सर? ये तो रीवा तरफ के रहने वाले हैं। कौन थे सर ये रीवा से जो निकल सर? पूछताछ में क्या पाया गया अभी? इनका नाम क्या था? और कहाँ जा रहे थे सर? ये रीवा के रहने वाले हैं, मऊ जाने का बता रहे हैं। सर इनका नाम बताइए, नाम कौन थे? चार लोग जो थे अजय मिश्रा करके हैं, उनके साथ दो तीन लोग और थे। अभी सर इनको छोड़ दिया गया पूछताछ? एक मिनट जी, मैं रीवा जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, पूर्व विधायक जी, और मैं आया, मुझे नहीं समझ में आया कि यहाँ की पुलिस ने क्यों रोका। अच्छा। और मुझे पुलिस ने रोका, अंदर ले गई। हाँ। बैठाई और इसके बाद बोली कि गलती से हमने रोक लिया था, आप जा सकते हैं। अभी आपकी जो पत्नी है विधायक है नीलम मिश्रा, उनका आरोप है कि राजेंद्र जो मंत्री राजेंद्र शुक्ला उनको आपके ऊपर जानलेवा हमला करा सकते हैं, आपके पूरे परिवार को खतरा है, क्या कहें? काउंटर करा सकते हैं, इस बात का खतरा है। क्यों खतरा है आपको, किस बात को लेकर खतरा है आपको? इस समय जो देश के अंदर दमन वाली आवाज़ उठाने की, हमारे यहाँ 6 आदिवासियों की हत्याएं हुई जी, उसमें हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, 2 रुपए नहीं मिले, और बदले में ये कि जो भी आवाज़ उठाएगा उन सबको अंदर करो। मतलब अवैध खनन को लेकर तो ये पूरा मामला नहीं है कहीं ना कहीं? ये अवैध उत्खनन, राजेंद्र शुक्ला के अवैध उत्खनन और उनका जो बालू का धंधा और पूरा रीवा संदरिया को बेच दिया, उसका जो विरोध किया गया उससे उठा हुआ ये मामला है। अभी आप कहाँ जा रहे थे? अभी हम जा रहे थे इंदौर। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी हम आ रहे हैं बैतूल। छिंदवाड़ा से हमारे साथ संवाददाता पवन कुमार साहू। मेडिकल कॉलेज का नाम बदल, भोई रखने की मांग। जिले में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता के नायक बादल भोई के नाम पर रखने की मांग को लेकर आज आदिवासी समाज द्वारा रैली निकाली गई। यह रैली रानी दुर्गावती चौक से होती हुई शहर के विभिन्न मार्गों में पहुंची। इस अवसर पर समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जहां पर बेहतर चिकित्सा की सौगात जिलेवासियों को मिलेगी।